अभी हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी है जो कल तक आम आदमी पार्टी के एमएलए थे। बिन्नी जी, क्या ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको पेश हुआ माना जाए? नहीं, अभी पेश नहीं हुआ है, और लेकिन स्पीकर के द्वारा उसे ऐसा माहौल बनाने का कोशिश किया गया है कि वो पेश करना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि वो पेश नहीं हो सकता है, उस पर वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग में जो रिजल्ट आए उसके साथ अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन मुझे स्पीकर साहब लगते हैं कि वो एज ए एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे हैं, ना कि स्पीकर का पद का निर्वाह कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव में इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, मुझे लग रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि बिल पेश नहीं हुआ, बीजेपी कांग्रेस कह रहे हैं कि बिल पेश नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिल पेश हो गया, कानून मंत्री उनके सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि बिल पेश हो गया, उस पर चर्चा कराई जाए। इनको लगता है इनकी अपनी मैं कहूँ कि इनके डैडी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि बिल पेश हो गया। मुझे लगता है कि इस तरह की बचकाने बात, उनको पता ही नहीं है बिल कैसे पेश होता है, उनको सिस्टम का नहीं पता क्या चीज़ पेश होना होता है, किसको क्या कहते हैं। गवर्नर साहब का एक मैसेज आया, उस पर वोटिंग की एक डिमांड है, अगर सदन चाहता है वोटिंग है तो वोटिंग करा देनी चाहिए, वोटिंग में वो बहुमत मिले तो उसको पेश कर दो, नहीं तो चर्चा करा लो, नहीं तो मत कराओ, लेकिन तैयारी नहीं है उसके लिए। तो आखिर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया, नियमों को ताक पर रखा, क्यों इंट्रोड्यूस किया उस बिल को? आम आदमी पार्टी किसी भी कानून को, किसी भी संविधान को, किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने हिसाब से अपनी घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी समझ के इस दिल्ली सरकार को चलाना चाहते हैं, हाउस को चलाना चाहते हैं। वो सारे देश ने देखा, इनके पास एक कुशल प्रशासन चलाने जैसा नेतृत्व इनके पास नहीं है, ये पूरी तरह विफल लोग हैं, ये किसी भी तरह एक कुशल शासन देश को दिल्ली को नहीं दे सकते। तो अब आप क्या करेंगे, अभी विधानसभा स्थगित होकर फिर से विधानसभा शुरू हुई, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? अभी देखते हैं स्पीकर का क्या रवैया रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। एक सवाल, सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग भी हो रही है लगातार। सोमनाथ भारती का इस्तीफा तो आना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत शर्मसार चीज़ें हैं, और सोमनाथ भारती ने जो पिछले दिनों दिल्ली की जनता और पब्लिक के सामने रवैया किया कानून मंत्री होते हुए, वो अपने सारी चीज़ें जो उनका किसी बहुत सारी साइट्स के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, तमाम मुद्दों पर विदेशी महिलाओं के साथ छेड़खानी पर नाम जोड़ा गया, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली है। उनका रिजाइन तो तुरंत होना ही चाहिए।